बेटा आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.6। ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें आपको स्क्वायर रूट टेबल में से देखकर लिखना है। टेबल आपकी बुक में गिवन है। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द स्क्वायर रूट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। टेबल का है, देखिए बेटे ये आपको दी है स्क्वायर रूट यूजिंग स्क्वायर रूट। ये आपको एक टेबल दी हुई है, 1 से 13 तक के स्क्वायर रूट की वैल्यू है बेटा। ये 14 to 26 तक के स्क्वायर रूट की वैल्यूज आएंगे, 27 से 29 तक के स्क्वायर रूट की वैल्यूज हैं, 42 to 52 तक के स्क्वायर रूट की वैल्यूज आएंगे, 53 to 65 तक की वैल्यूज आएंगे, 66 to 78 तक की वैल्यूज आएंगे बेटा, एंड 79 to 100 यानी 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर रूट्स आपको दे रखे। पहला क्वेश्चन आपका है √26 की वैल्यू आपको पता करनी है। तो कहाँ से देखेंगे, टेबल से देखेंगे। √26 की वैल्यू है 5.099। सो आंसर हो गया √26 इज इक्वल टू 5.099। फिर √47 की वैल्यू देखनी है। देखिए ये दे रखा है 6.856। सो आंसर हो गया 6.856। थर्ड क्वेश्चन है 140 की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास रूट में से आपको वैल्यूज जो दे रखी हैं वो 100 तक थी, ये 140 है। तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 7 जा 14 0, 2 3 जा 6 2 5 जा 10। अगर हम आगे करेंगे तो 5 7 जा 35 होगा, कोई पेयर नहीं बनेगा, ओनली एक पेयर बन रहा है। तो जब एक पेयर बन रहा है तो इसको आप लिख लीजिए 2 into 2 into 35। इस पेयर को आप बाहर निकाल लेंगे, सिंगल टाइम आ गया √35। तो ऐसे ही √35 की वैल्यू को टेबल में से देखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए टेबल में दिखाते हैं वैल्यू। √35 की वैल्यू है 5.916। 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11। 1 2 3 के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। अब आपको दिया 250, इसमें भी आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 5 5 जा 25 10 जा 250। 5 पेयर बन रहा है, इसे बाहर निकाल लेंगे √10। ऐसे √10 की वैल्यू है बेटा 3.162। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल। इसमें भी हमें स्क्वायर रूट टेबल को यूज करके वैल्यूज को निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है 432। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल। तो पहली वैल्यू आपके पास है 432, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करेंगे, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। जितनी वैल्यूज बाहर निकल रही हैं उन वैल्यूज को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, अब 1 है ओनली, 2 का टेबल 1 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, फिर 6 ले लेंगे, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 बचा 1, 14 हो गया, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, लिखेंगे
एक दो, दो तो दो के पेयर बने और एक थ्री का बना, ठीक है, और एक थ्री रह जाएगा। तो देखिए जो पेयर बने उन्हें सिंगल टर्म लिख दिया, जो नहीं बना उसे रूट में ही छोड़ दिया। टू टू जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व, रूट थ्री की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो आएगी 1.732। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। अब आपका इसका थर्ड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है पहले बेटे, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, जितने पेयर बनेंगे उनको निकाल लेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 ऐसे, 2 1 जा 2, बचा 1, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 0 ऐसे, 2 8 जा 16, 0 ऐसे, 2 4 जा 8, 0 ऐसे, 2 2 जा 4, 0 ऐसे, 2 1 जा 2, 0 ऐसे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 1 2 3 4, 2 2 के 4 पेयर बनेंगे और 5 आपका अकेला रह जाएगा। देखिए 1 2 3, 4 2 2 के पेयर बने, 5 अकेला रह गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, रूट 5 की वैल्यू को टेबल से देखेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 13.32 का आपको स्क्वायर रूट निकालना। नीचे 1 लगाया, पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा दिया, नीचे हो गया 10 into 10, ऊपर के प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 2 1 27, 3 7 जा 21। ये आपके दो पेयर बने, एक ये बना 2 का एक पेयर और एक पेयर बना आपका 3 का, और 37 रह गया आपका अकेला। इन्हें सिंगल टाइम लिखा, 2 3 जा 6 अपॉन 10 रूट 37, 2 3 जा ऐसे ही रूट 37 की वैल्यू डाली, 2 3 जा 6 हो गया। 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला गया, इसलिए ये हो गया 6 into 0.6083। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ गया, दो हम इसके दो डेसिमल प्लेसेस लिख रहे हैं, ये 9 5 से बड़ा है इसलिए 4 में 1 जुड़ जाएगा और दोनों डिजिट हट जाएगी। अब ये हो गया आपका आंसर।